हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ये पटना का ऐसा पार्क है जो कि पूरे बिहार में सबसे बड़ा और सबसे दूर तक फैला हुआ है। ये 9.8 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस पार्क में खासियत है, इसमें दो दो बड़ी झीलें हैं और पर्यावरण के संरक्षित करने के लिए काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया है। आइए आपको हम अंदर ले चलते हैं इस पार्क में और इस पार्क की खासियत को बताते हैं। वैसे इस पार्क का नाम राजधानी वाटिका भी है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। पार्क का टिकट काउंटर है, 20 रुपये मंथली। आप आते हैं तो 250 रुपये और ईयरली लेते हैं तो 600 रुपये। बच्चों का यहाँ 10 रुपये लगता है। ये इसका एंट्री गेट है। इको पार्क में आप पेड़ देख सकते हैं, कितने खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं। काफी खूबसूरत घास भी है यहाँ पर। काफी लोग वॉकिंग करने भी आते हैं। राजधानी वाटिका के संबंध में संक्षिप्त में विवरण है, आप देख सकते हैं। ये 9.18 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हैं। यहाँ की गार्डनिंग कितनी खूबसूरत की हुई है। देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस गार्डनिंग का मैं चारों तरफ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ। इतना ही खूबसूरत दृश्य लग रहा है, आप देख सकते हैं। पेड़ से जो टहनियां निकली हैं, वो नीचे की तरफ जमीन की तरफ आ रही हैं।
इस पार्क में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। देख सकते हैं देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। पेड़ से जो इनकी टहनियां हैं वो नीचे की तरफ आ रही हैं। ये राशि वन है। यह है बुद्धा वाटिका, भगवान बौद्ध बौद्ध धर्म की भूमि। यहाँ पीपल का पेड़ लगाया हुआ है, जहाँ गौतम बुद्ध को पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये जो वाटिका है उसी को दर्शा रहा है, बीच में पीपल का पेड़ लगा हुआ है। यह है गुरु वाटिका में खालसा के प्रतीक चिन्ह खंडा को हरे रंग एवं लाल रंग के हेज के माध्यम से दर्शाया गया है। देख सकते हैं आप, इस राजधानी वाटिका में बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पार्क की भी व्यवस्था है, जिसमें 12 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे नहीं जा सकते हैं, 12 से कम वर्ष के ही बच्चे जा सकते हैं। देख सकते हैं बच्चों के लिए। झूले वगैरह, स्विंग सैंग, काफी कुछ लगे हुए हैं। ये 11 बजे के बाद खुलता है। इस राजधानी वाटिका को इको पार्क भी कहते हैं। इस इको पार्क में बच्चे 11 बजे के बाद इस चिल्ड्रन पार्क का आनंद ले सकते हैं। जस्ट इको पार्क के बगल से ही रोड भी गुजरी हुई है। हम बाहर से भी इको पार्क को देख सकते हैं, तब आकर इसका अंदर से आप आनंद ले सकते हैं। हम आपको इको पार्क का पूरा व्यू दिखा रहे हैं। देख, एक गेट यहाँ से भी है और ये इमरजेंसी गेट सब है। एंट्री गेट जहाँ से हम लोग एंट्री किए हैं, बस वही एक गेट है।
देख सकते हैं ये कोट बनाया हुआ है। छोटे बच्चे आकर छोटी छोटी गाड़ियां इस पे चलाते हैं। ये वृक्ष सुरक्षा दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 18/8/2016 को। पीपल के वृक्ष, गाय और हमारा पटना का मानचित्र और गौरैया पक्षी को आप देख सकते हैं, जो कि गौरैया हमारे देश से लगभग विलुप्त की कगार पर है। हमारे यहाँ बिहार, पटना का, पटना इसमें कहाँ है, ये हमारे बिहार का मानचित्र है। हमारे पर्यावरण को इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर टॉयलेट के भी अंदर, पार्क के अंदर महिलाओं और पुरुषों के लिए व्यवस्था है। पीने का पानी भी आपको मिल जाएगा। ये रोलर स्केटिंग है, 50 रुपये पर पर्सन। ये पिको पार्क जो है उसके अंदर का स्केटिंग काउंटर का अलग से चार्ज लगता है। ये एडवेंचर पार्क है। इसका आपको अलग से ही टिकट लगता है। इस पार्क में देख सकते हैं किस तरह का एडवेंचर है। अंदर पार्क के अंदर जाके आप एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं। एक बच्चा एडवेंचर करते हुए दिखा रहे हैं। देखिए आप इस बच्चे को, बच्चे ने अपने सेफ्टी गार्ड्स पहन रखे हैं। यदि आप इस पार्क में आना चाहते हैं, कृपया कर स्कूल ड्रेस या कॉलेज ड्रेस पहनकर ना आवे, क्योंकि इस पार्क के अंदर ड्रेस कोड को एंट्री का अलाउड नहीं है। जब भी आए कलरफुल ड्रेस पहन के ही इस पार्क में आए। इस पार्क का रूल है कि इसमें स्कूल ड्रेसेस या कॉलेज ड्रेसेस को अलाउ नहीं किया जाता है अंदर। ये जो आप देख रहे हैं MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, MiG-21 मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
ये आप देख सकते हैं MIG 21। ये MIG 21 है, ये MIG 21 का एक सैंपल लगाया गया है इको पार्क में। ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का। विमान की जो मौलिक विशेषताएं हैं, ये देख सकते हैं आप WELCOME, काफ़ी खूबसूरत लिखा हुआ है। इस इको पार्क में एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है। देख सकते हैं आप इस फाउंटेन को। आप देख सकते हैं किस तरह यूजलेस चीज़ों को एक जगह एकत्रित कर उन सामानों से टावर बनाया गया है। इस टावर में जो भी सामान लगे हैं, जो भी चीज़ें लगी हैं, वो सभी वेस्टेज हैं। वेस्टेज को एकत्रित कर इस टावर का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं इस इको पार्क में आप आकर वाटर बोट का भी मजा ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कश्मीर के डल झील जैसा दृश्य है।
मेक्सिको पार्क की खूबसूरती को आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के पत्थर को पेंट कर कर कितना ही खूबसूरत दृश्य बनाया गया है। जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगता है। इतनी अच्छी गार्डनिंग है। रोड के अंदर द ब्रिज पुल बना हुआ है। गौतम बुद्ध के जीवन चक्र को दिखाया गया है। जब उनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, राजकुमार सिद्धार्थ सांसारिक मोह का परित्याग जब किए थे, ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी, इस ब्रिज के ऊपर से रोड क्रॉस किया गया है। इसके अंदर में ये ब्रिज है। ब्रिज अंदर से काफी खूबसूरत है। आप इसके डिजाइनिंग को देख सकते हैं जो कि देखने में काफी आकर्षक लगता है। इसमें तीर्थकर महावीर का जीवन चक्र दिखलाया गया है। आप ये दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य देखने से यह प्रतीत हो रहा है जैसे रानी लक्ष्मीबाई का है, जैसा कि मेरा मानना है। एक शेर पे एक कन्या को दिखाया गया है जिसके हाथ में तलवार है।
इको पार्क में दो झील हैं। मैंने आपको पहले झील को, अब मैं दूसरे झील को आपको दिखा रहा हूँ। डिजाइनर ऑफ कॉर्नर है, देख सकते हैं। इको पार्क में डिजाइनर ऑफ कॉर्नर इसे मेंशन किया गया है, कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसका व्यू मैंने आपको चारों तरफ से दिखाया। तो पार्क में इसका नाम डिजाइनर ऑफ कॉर्नर है। ये इको पार्क में झील जो स्थित है, इसमें देख सकते हैं आप। वाटर ट्यूब का जो आप पानी में तैरता देख रहे हैं, काफी खूबसूरत दिख रहा है। आप आकर इस झील का आनंद ले सकते हैं पटना के इको पार्क में। इन्हें कौन नहीं जानता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इनका भी एक स्टैचू इको पार्क में लाया गया है, आप देख सकते हैं। इनके हाथ में एक डंडा है और इन्हें पूरे गार्डनिंग के साथ एक स्टैचू के रूप में इको पार्क में लगाया गया है, जो पर्यटक आ सके, हमारे महात्मा गांधी का भी दर्शन उन्हें हो सके। इन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। के अंदर दो चिल्ड्रंस पार्क है इको पार्क के अंदर। एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ये दूसरा पार्क है। इसमें बच्चों के झूले का खुलने समय भी 11 बजे से स्टार्ट है और शाम 5 बजे तक बंद हो जाता है। कुछ कुछ झूले ऐसे हैं जिसमें चार्जेज है, जैसे जंपिंग झूला, यहाँ 40 रुपीज़ बच्चे का चार्ज किया गया है। स्विंग सॉन्ग झूला, बहुत ही ऐसे ऐसे झूले हैं जिसे आकर बच्चे उसका आनंद ले सकते हैं। इको पार्क में आप अपने बच्चों को लाइए और झूले का आनंद दिला सकते हैं आप। आइए आगे लेके चलते हैं आपको हम। हमने आपको राजधानी वाटिका, जिसका कि नाम इको पार्क भी है, इसमें जितने भी दृश्य थे मैंने आपको दिखाए। जैसे यहाँ पर दो झीलें हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, बच्चों के खेलने के लिए पार्क हैं और तमाम चीज़ें हैं। यदि आपको इको पार्क का आनंद लेना है तो आप इको पार्क ज़रूर आइए और इको पार्क में आके आप इको पार्क का आनंद ले सकते हैं। और हमारे चैनल के थ्रू हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।